Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss one of the most important topics, that is the location and physical features of Pakistan. And this topic is quite important, quite vital for those who are the aspirants of CSS and PCS, particularly for those who are going to appear in the Viva of 2018 CCE, and for those who are going to appear in the screen test of CCE 2020. Yes, move further to draw the map of Pakistan, because without map we cannot learn the location and physical features of Pakistan. Here is Pakistan's map. ये हम बनाएंगे यहाँ भी अभी हम बना रहे हैं पाकिस्तान का मैप यहाँ पर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ ये बलूचिस्तान है हमारे पास This is a Punjab side. ये मैंने यहाँ पर सिंध बना लिया. ये सिंध है. This is सिंध. और ये है बलूचिस्तान यहाँ पर. और ये हो गया पंजाब. ये कश्मीर का इलाका है जो इंडिया के अभी कंट्रोल में है जी. अभी ये पूरा मैप है पाकिस्तान का. दिस इज IOK इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर. मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर हम बनाएंगे माउंटेन्स डेजर्ट्स रिवर्स डैम्स बैराजेस. तो इसके लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, आप खुद याद रख लें. दिस वन इज कॉल्ड IOK इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर. इट इज गिलगित बल्तिस्तान. एंड दिस स्मॉल वन इज आजाद जम्मू कश्मीर. इट इज KPK. इट इज पंजाब. दिस वन इज सिंध. एंड दिस इज बलूचिस्तान. टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान देयर इज इंडिया. बिल्कुल पाकिस्तान के ईस्ट में जो है यहां पर इंडिया है. ये पाकिस्तान के बिल्कुल ईस्ट में यहां पर इंडिया है. और अगर बात करेंगे हम यहां पर यहां से लेकर बिल्कुल मैं इसको थोड़ा रेड कलर में लगा लूं तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए भी. बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक ये इंडिया है हमारे पास. ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में इन द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज कॉल्ड रेड कलिफ लाइन. इट्स लेंथ इज 1610 किलोमीटर्स. लाइन ऑफ कंट्रोल बाउंड्री है आजाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में. रेड कलिफ इज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. और ये जो इलाका है रेड कलिफ का, ये सिंध है पाकिस्तान में और ये इसके साउथ में गुजरात है. सिर्फ ये पार्ट जो कि हॉरिजॉन्टल है रेड कलिफ का ऐसा, इसको हम कहते हैं 24 पैरेलल लाइन बिकॉज देयर इज 24 डिग्री ऑफ लेटिट्यूड. बिल्कुल ये हिस्सा है, इसको हम कहते हैं वाखान स्ट्रिप. दिस इज कॉल्ड वाखान स्ट्रिप और वाखान कॉरिडोर. दिस वाखान इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. यहां से लेकर यहां तक ये अफगानिस्तान है. और ये हमारा बन गया है नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. नॉर्थ हमारे वेस्ट में दो कंट्रीज हैं, एक अफगानिस्तान है और एक ईरान है. नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है. एंड ये कॉरिडोर है, इसको हम कहते हैं वाखान कॉरिडोर, दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशिया. और जो बिल्कुल मुल्क कंट्री है सेंट्रल एशिया का वो है ताजिकिस्तान, बिल्कुल वाखान के नॉर्थ में. सो वाखान इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशिया. एंड द लेंथ ऑफ ड्यूरन लाइन द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान and Afghanistan is called Durand Line and its length is 2,252 kilometers. और ये बिल्कुल नॉर्थ है. हमारे पास यहाँ पर चाइना है और इसकी लेंथ है पाक चाइना बाउंड्री की 9595 किलोमीटर. और हमारे पास बिल्कुल साउथ वेस्ट में ईरान है यहाँ पर. और ईरान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है इसकी लेंथ है
805 kilometer. Bilkul south of Pakistan, south of Pakistan, there is Indian Ocean. In the part of Indian Ocean, near land is called Arabian Sea. So, bilkul south of Pakistan, we have Arabian Sea hai. And our coastal area, our water, its length is 1046 kilometers. एक बार फिर बताऊं मैं आपको पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया और साउथ एशिया में लोकेटेड है इसके ईस्ट में इंडिया है और बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड रेड क्लिफ बाउंड्री इट्स लेंथ इज 1610 किलोमीटर और जो बिल्कुल गुजरात और सिंध का थोड़ा सा हिस्सा है रेड क्लिफ का सुन कहते हैं 24 पैरेलल लाइन में बिल्कुल नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान दैट इज चाइना और इसकी जो लेंथ है बाउंड्री की बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना दैट इज 595 किलोमीटर साउथ वेस्ट में हमारे पास ईरान है इट्स लेंथ इज द बाउंड्री बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान इज 805 and to the north west of Pakistan is Afghanistan and that boundary name is the Durand line its length is 2252 kilometers south of Pakistan there is no country there is water that water is called Arabian Sea and it's part of Indian Ocean its coastal line length is 1046 kilometers ji abhi hamare neighboring countries ban gaye hain aur isko hum yahan par mitayenge abhi names ko jo hamare name maine likhe hain kyunki main bana अभी यहां पर जो है ना वो माउंटेन्स डेजर्ट्स और इसके अलावा रिवर्स तो इसके लिए ये मुझे मिटाना पड़ेगा अभी यहां पर जी अभी हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के जो माउंटेन्स हैं जो डेजर्ट्स हैं जो रिवर्स हैं पाकिस्तान के वो बहुत वाइटल हैं सीएसएस के लिए तो बहुत इनकी जो वो इंपॉर्टेंस है चाहे पीसीएस हो चाहे पीएमएस क्यों ना हमारे पास Now moving towards our mountains of Pakistan. बिल्कुल पाकिस्तान में यहाँ पर माउंटेन है इसको हम कहते हैं कराकरम माउंटेन रेंज कराकरम माउंटेन ये पाकिस्तान में भी है इट इज आल्सो इन चाइना एंड दिस माउंटेन इज नोन एज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना और कराकरम का जो हाइएस्ट पीक है वो है K2 यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है ये K2 इसको बोलते हैं हम और K2 का एक और नाम भी है उसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन K2 is अच्छा the height of K2 mountain is 8611 meters. K2 is Pakistan's highest mountain peak and the second highest in the world. मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में पांच ऐसे माउंटेन पीक हैं जो 8000 से ज्यादा हैं और दुनिया में ऐसे 14 माउंटेन पीक्स हैं दे आर हायर देन 8000 मीटर्स और 5 आर इन पाकिस्तान जो 5 पाकिस्तान में वो 4 कराकरम माउंटेन रेंज में हैं लेकिन हमने यहां पर सिर्फ K2 लिखा है क्योंकि वे बहुत फेमस है बिल्कुल साउथ ऑफ कराकरम देयर इज द हिमालयाज माउंटेन रेंज हमारे पास यहां पर हिमालयाज माउंटेन है और हिमालय ये पाकिस्तान से फिर कश्मीर जो आजाद कश्मीर है फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है फिर ये इंडिया में फिर सीधा कुछ इसका हिस्सा चीन में भी है फिर नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार तक इसका लेंथ है हिमालयाज माउंटेन का हिमालयाज के दो बड़े फेमस हाइएस्ट पीक्स हैं एक जो पाकिस्तान में इसका यहां पर इसका थोड़ा सा ऐसा गिलगित में भी है हिमालयाज का तो गिलगित में जो इसका हाईएस्ट पीक जो हिमालय का पाकिस्तान में है इसको हम कहते हैं नांगा पर्वत और किलर माउंटेन बिल्कुल और यहां पर ये वाला और इट्स हाइट इज 8126 मीटर्स एंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड दैट इज आल्सो लोकेटेड ऑन द हिमालयाज माउंटेन्स जो नेपाल और तिब्बत के बिल्कुल बाउंड्री पर है इसका ज्यादा ऐसा नेपाल में है तो इसको हम काउंट नेपाल में कहते हैं देयर इज माउंटेन एवरेस्ट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक बहुत ही हाइट में ज्यादा है और उसकी लेंथ जो है 8848 मीटर्स जी और हमारे पास एक माउंटेन है वेस्ट ऑफ दीज टू माउंटेन्स यहां पर इसको हम कहते हैं हिंदूकश माउंटेन हिंदूकश को हम कहते हैं पाकिस्तान में हिंदूकश व्हेन दिस माउंटेन एंटर्स इनटू अफगानिस्तान देयर दैट इज कॉल्ड तोरा बोरा माउंटेन और यहां पर इसका जो है हाईएस्ट पीक भी है हिंदूकश का इसको हम कहते हैं ट्रिचमील उसके अलावा यहां पर एक और माउंटेन है इसको हम कहते हैं कोई सफेद माउंटेन जहां तक खैबर पास भी है और एक पास खैबर पास है जो यहां सफेद माउंटेन में है दैट कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ अफगानिस्तान और एक यहां पर भी एक पास है
that crosses Karakoram Mountain, is going to go to Khunjare Pass. Khunjare Pass connects Pakistan with China. ये यहाँ पर माउंटेन्स हैं, वजीरिस्तान हिल्स जिनको हम बोलते हैं, जो फाटा का पहला हिस्सा था वजीरिस्तान नॉर्थ और साउथ, दे आर नाउ पार्ट ऑफ केपी के, और ये भी एक माउंटेन रेंज है, इसको हम कहते हैं सुलेमान माउंटेन रेंज, इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पर है तख्त सुलेमान, इसको हम बोलते हैं, और ये भी यहाँ माउंटेन्स हैं, ये जिला चाही है बलूचिस्तान का, और जो यहाँ पर है ये माउंटेन, इसको हम हिल्स भी बोलते हैं, एंड दीज हिल्स आर कॉल्ड रस्को माउंटेन्स. जी हाँ, रस्को माउंटेन्स बहुत ज्यादा फेमस है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ऑन 28 मई 1998 पाकिस्तान ने वहां पर किए थे 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, एंड पाकिस्तान बिकेम द 7th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इन द इस्लामिक वर्ल्ड. तो ये रस्को है, यहां पर हमने किए थे 1998 में एटॉमिक धमाके, और इसके साउथ में यहां पर चाही हिल्स भी हैं, ये भी चाही में है, और यहां पर है मकुरान रेंजेस जो कि ये भी बलूचिस्तान में है, और ये बिल्कुल सिंध और जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का, यहां पर भी माउंटेन रेंज है, इसको हम कहते हैं खीरफर माउंटेन. दे आर वेस्ट ऑफ सिंध एंड ईस्ट ऑफ बलूचिस्तान, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ खीरफर माउंटेन इज गोरख हिल, और यहां पर एक और फेमस पीक भी है, इसको हम कहते हैं द ग्रेव ऑफ द डॉग और कुत्ते का कब्र. अभी हमारे कुछ माउंटेन बन गए हैं, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान. जी अभी हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के जो रिवर्स हमारे पास हैं. सबसे पहले हम आएंगे इंडस के रिवर के पास, ये तिब्बत का इलाका है चीन का, यहां पर एक लेक है, इस लेक का नाम है लेक मानसरोवर, मैं यहां पर इसका नाम लिख रहा हूं, मानसरोवर लेक, दैट इज सोर्स ऑफ रिवर इंडस, और यहां से रिवर इंडस स्टार्ट है तिब्बत इनके चीन से, इट स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत एंड फॉल्स इनटू इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, देन इनटू गिलगित बल्तिस्तान, देन इनटू केपीके, देन इट मेक्स बॉर्डर, इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन केपीके एंड पंजाब, देन फॉल्स इनटू पंजाब, देन इनटू सिंध, फाइनली दैट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी नियर ठट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध हियर. एंड द होल लेंथ ऑफ रिवर इंडस इज 2900 किलोमीटर. कुछ किताब लिखते हैं कि 2880, लेकिन 2900 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ रिवर इंडस. अब इंडस रिवर के जो है ना, ईस्ट में भी कुछ रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स के वेस्ट में भी हैं, ज्यादा फेमस जो है वो रिवर्स के ईस्ट में हैं. यहां हमारे पास है झेलम रिवर, थोड़ा सा आप अक्सर जूम करें तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए. ये हमारे पास है झेलम रिवर यहां, और फिर यहां हमारे पास है चुनाब, और फिर यहां हमारे पास है रावी, और ये हमारे पास है सतलज, फिर आकर ये इंडस को यहां पर ज्वाइन करते हैं. जी ये ऊपर से मैंने यहां पे लिख रहा हूं इंडस, और ये फिर ये जे एच झेलम है, और सी एच चुनाब, और ये आर रावी, और ये हो गया सतलज. जी ये जो ब्यास रिवर है, ब्यास यहां पर है, ब्यास वाज स्मॉल पार्ट ऑफ रिवर है सतलज. 1947 में जब पंजाब को डिवाइड किया हमने, पंजाब एक इंडिया के पास चला गया, एक आ गया पाकिस्तान के पास, तो जो ब्यास है दैट इज नॉट इन पाकिस्तान, दैट इज नाउ इन इंडिया, तो ब्यास को अभी हम काउंट नहीं करते हैं. तो ये हमारे पास ऊपर इंडस है, फिर झेलम, फिर चुनाव, फिर रावी, फिर ये हो गया आपका सतलज. ये हमारा पॉइंट, ये इलाका, व्हेन द रिवर्स ऑफ पंजाब दे ज्वाइन देमसेल्व्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पंजनद, इसको हम बोलते हैं पंजनद. जब आकर ये झेलम चुनाव रावी इस तरह जाकर खुद को ज्वाइन करें, दिस पॉइंट देन इज नोन एज पंजनद. फिर पंजनद से फिर ये एक ही रिवर आता है आकर इंडस को, अगर आकर ये ज्वाइन करें रिवर, दिस पॉइंट इज देन कॉल्ड मिठनकोट. ये मिठनकोट है जो आकर रिवर जो पंजाब के आकर इंडस को ज्वाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं मिठनकोट, एंड व्हेन दे ज्वाइन देमसेल्व्स दैट पॉइंट इज कॉल्ड पंजनद. और इंडस के बिल्कुल जो वेस्ट में कुछ रिवर्स हैं, यहां काबुल रिवर है जो काबुल से आता है, और ये सवात रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर का, फिर यहां पर ये कोरम रिवर है जो कोरम एक इलाका है केपीके में, पहले इट वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कोरम वॉज ऑलरेडी द एजेंसी ऑफ फाटा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ केपीके. देन दिस इज गोमाल रिवर,
और ये गोमाल का ट्रिब्यूटरी है, इसको हम ज़ूब कहते हैं, और ये हिंगोल रिवर है, और यहाँ पर दश्त रिवर है, और यहाँ पर है हब रिवर। मैं दोबारा कहूंगा इन रिवर को भी रिपीट, जो ये रिवर है बिल्कुल ये काबुल, काबुल फ्रॉम अफगानिस्तान वहां से आता है, आकर इंडस्ट्रिक को शामिल करता है ये, फिर यहाँ पर सवाद है इसका छोटा सा हिस्सा, फिर ये कोरम रिवर है, फिर ये गोमाल, फिर ये ज़ूब, ज़ूब इज फेमस रिवर ऑफ बलोचिस्तान, फिर ये हिंगोल रिवर है, हिंगोल इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान, फिर ये दश्त रिवर है, और फिर यहाँ पर है ये हमारे पास हब रिवर। और अभी कुछ डैम्स बने हैं इन रिवर्स के अंदर, वारसक डैम दैट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान दैट इज ऑन रिवर काबुल, यहाँ पर है केपीके में, वारसक has been built on river Kabul in KPK, and Karbala Dam yahan par hai, Karbala has been built on the Indus River that is also in KPK, aur yahan par hai Mangla Dam jo ki azad Jammu and Kashmir mein hai, daryaye Jhelum par bana hai ye। एक फेमस डैम पूछते हैं कि मीरानी डैम कहां पर है, मीरानी डैम इज ऑन दश्त रिवर इन बलोचिस्तान, और इंडस के ऊपर छह बैराज हैं, तीन जो है वो पंजाब में है, एक कालाबाग बैराज है, एक चश्मा बैराज है, और एक तंसा बैराज है, और इंडस के ऊपर जो सिंध में तीन बैराज हैं, एक गुडू बैराज है, और एक सखर बैराज, और एक कोटड़ी इसको हम कहते हैं गुलाम अहमद बैराज भी। अभी हम आएंगे हमारे पास डेजर्ट्स कहां पर हैं, जी अभी हम पढ़ेंगे अपने डेजर्ट्स के पाकिस्तान में डेजर्ट्स कहां पर हैं। वी आर हैविंग थ्री डेजर्ट्स इन पाकिस्तान, हमारे पास यहाँ और आल तो बात करेंगे, डेजर्ट्स दिखाई दे रहे हैं तीन आपको, लेकिन उनके हमने नाम पांच रख दिए हैं। यस इन पाकिस्तान वी आर हैविंग करंटली नाउ फाइव डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। ये इलाका है बहावलपुर का, पंजाब का बहावलपुर है, यहां इसको हम बोलते हैं चोलिस्तान डेजर्ट, खैरपुर मीरस जो सिंध का इलाका है इसको वहां पर बोलते हैं हम नारा, और जो थर पार्कर है वहां इसको बोलते हैं हम थर डेजर्ट। अब ये थर डेजर्ट, डेजर्ट एक ही है, सिंध में इसके दो नाम है, थर पार्कर में इसका नाम थर है और खैरपुर मीरस में इसका नाम नारा है। वेन दैट इन दैट डेजर्ट एंटर्स इन टू पंजाब इन बावलपुर देयर दैट इज कॉल्ड चोलिस्तान, एंड कंबाइनली चोलिस्तान को, नारा को, थर डेजर्ट को हम बोलते हैं ग्रेटर थर डेजर्ट और ग्रेट थर डेजर्ट बोलते हैं इसको हम। और एक ये भी डेजर्ट है दैट इज आल्सो इन पंजाब, इसको हम बोलते हैं थल, इसका नाम है थल, THAL। और एक यहां पर डेजर्ट है बल्तिस्तान में, देयर दिस डेजर्ट इज कॉल्ड खारान, इसको हम बोलते हैं हम खारान डेजर्ट, एंड देयर इज नो डेजर्ट इन केपीके, कोई भी डेजर्ट नहीं है केपीके में। जो दो रिवर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये इंडस रिवर है, ये झेलम रिवर है, द एरा बिटवीन दीज टू रिवर इज कॉल्ड द्वाब, और इसको हम बोलते हैं सिंध सगार द्वाब, सिंध सगार द्वाब इज बिटवीन इंडस एंड झेलम, और हमारे पास है यहां पर चज द्वाब बिटवीन झेलम एंड चुनाब, देन देयर इज रचना द्वाब बिटवीन रावी एंड चुनाब, एंड देयर इज बारी द्वाब देयर इज बिटवीन रावी एंड सतलज। ये हमारा पूरा पाकिस्तान का जो है ना ये मैप है, जहां हमने रिवर्स बनाए आपके लिए, माउंटेन्स और डेजर्ट्स, और इंशाल्लाह कल आपके लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।